अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो बजा है शाम को 5:30 और शाम हो गई है। तो आज मेरी हरी सब्जी खत्म हो चुकी है, तो मैं चल रही हूँ सब्जी लेने, और कुछ जरूरत की सामान है। और मेरी सहेली पढ़ पढ़ कर थक चुकी है, तो उनको कुछ मिष्टी खिलाना है, तो उनको ले चल रही हूँ गुड़ी जिलेबी खिलाने के लिए। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए क्या क्या मैं हम लोग ले रही हूँ। और जैकेट वैकेट पहन के एकदम, ठंडी बहुत बढ़ गई है, मौसम भी काफी वो हो चुका है। तो मम्मी को आप लोग देख सकते हैं, मम्मी पूरा ऊपर से नीचे पैक हो चुकी है, क्योंकि ठंड है या तबीयत मेरा गड़बड़ है, तो बच कर रहना है, काम भी करना है। अब इनका विदाई का समय आ रहा है, तो धीरे धीरे इनको काम से छुट्टी मिल रही है, और सीटेट टेट का पेपर। तो चलिए चलते हैं, और आपको भी ले चलते हैं। फ्रेंड्स आ गए हैं लाडो और लेक्सी का फूड लेने। पहले तो ये देखिए, ये देखिए, ये आंखें, ये यो यो। तो ये आ गए हैं, अभी डॉग फूड लेना है, उसके बाद हम अपना फूड लेंगे। हाँ फ्रेंड, तो मैं चल रही हूँ घर के, कुछ छोटा मोटा सामान की जरूरत है तो ले लूँ शॉप पर। अब बने रही है और आज नहीं। तो मम्मी कुछ छोटी मोटी ज़रूरत के सामान घर में ख़त्म हो गए थे, और कल है एकादशी का व्रत, जो कि हम और मम्मी पापा तीनों लोग बहुत दिनों से रहते हैं, तो उस व्रत के लिए भी कुछ फलहार की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मम्मी वही ले रही हैं। भाई को आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, विंडो खुला हुआ है क्योंकि शीशा बहुत गंदा है, देख सकते हैं ना, बाहर ठंड भी है। और ये शॉप है राधे श्याम स्टोर, मैं सारा स्टोर्स की भी आपको देख सकते हैं ये नेम देते चल रही हूँ। और इसके फ्रेंड्स, इसके जस्ट दूसरे साइड में हमारे यहाँ का गायत्री मंदिर फेमस है काफ़ी, जो लोग यहाँ से होंगे, मैं तो बस गाड़ी में से दिखा रही हूँ, ब्लर दिख रहा होगा, देख सकते हो आप, मंदिर है, जो लोग यहाँ से होंगे उन्हें ज़रूर मालूम होगा, बहुत फेमस मंदिर है। तो वो है, उसके अपोजिट साइड में ही शॉप है। बचपन में हम इन्हीं रास्तों से अपने स्कूल जाया करते थे, तो काफ़ी मेमोरेबल रास्ते हैं और काफ़ी मेमोरीज हैं इन रास्तों से। इन शॉप से ही हम कुछ चॉकलेट, टॉफ़ीज़ एंड जो कुछ भी हम बचपन में खाते थे इन्हीं शॉप से लेते थे। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, छोटी छोटी स्वीट मेमोरीज। अब तो हम काफ़ी बड़े हो गए। पहले ये एक सेकेंड में ओपन करती हूँ। पहले ये शॉप से हमें कितना लुभाते थे ना, टॉफ़ीज़ को देख के, चिप्स को, और भी बहुत सारी चीज़ों को, तो हम कितना अट्रैक्ट होते थे ना। जो लोग भी अब हमारे तरफ से यंग एज में आ गए हैं, वो इन मेमोरी को याद करके आप कभी फील करना, जब बचपन में आप जिन जिन शॉप पे जाते थे, जो भी चीज़ें देख रहे थे, ये शॉप ही कितनी अट्रैक्ट करती थी ना हमें, मन करता था क्या क्या ले लें। और अब का टाइम में चाहे अंदर हो चाहे शॉप के पास हो, कुछ भी नीड ही नहीं है। वक्त के साथ सारी चीज़ें कैसे कैसे ख़त्म होती जाती है ना, तो वही चीज़ है, मुझे मेरे साथ भी वही है, और आप सभी के साथ भी वही होगा, आई एम डैम श्योर। तो मम्मी सामान लेकर आते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं क्या क्या करते हैं, तो देखते रहिए। मम्मी फाइनली सब्जी लेने के लिए हमारे लोकल सब्जी मार्केट में आ चुकी हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही हैं, हरी भरी सब्जियाँ, और सब्जी को देख के दिल खुश हो जाता है। और रोड के दूसरे साइड में आपको जूम करके अभी दिखा देती हूँ, वो देखिए, भाई को
अभी बस जाएगी रास्ते से, और ट्रक है देख सकते हैं ये भीड़। तो भाई वहाँ पे गया है, हमारे यहाँ विंटर्स में जलेबी मिलती है पूरे विंटर्स टाइम तक, और ये गुड़ की जलेबी बहुत अच्छी थी। देखिए वो तो खा भी रहा, टेस्ट भी कर रहा है। बहुत दिन हो गए थे, मैं इवन मैं 2 सालों से नहीं खाई हूँ, तो ये हम खाने आए हैं। ठंड कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पे बैठ के आग सेक रहे हैं, देखिए फोकस गाड़ी। और मम्मी सब्जी की बार्गेनिंग करते हुए, बार्गेनिंग करना सीखना हो तो मम्मी से सीखा जाए, बहुत ही अच्छे से करती हैं और सब्जी भी बहुत अच्छे से खरीदती हैं। क्या ले रही हैं? सब लेंगे, सब कुछ लेंगी। चलो आइए देखते हैं मम्मी क्या क्या लेती हैं और फिर घर चलते हैं। पापा इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत दिनों बाद, इवन 1 महीने बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, नहीं तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती। हम लोग से मैंने काफ़ी दिन हो गए थे, तो या ठंड बहुत है। अपन पहन वहन के ओर ओढ़ के काफ़ी फिट है। मम्मी ले ले सब्जी और भाई लेकर आ जाए फटाफट जलेबी, तो फिर हम घर की ओर चलते हैं और मिलते हैं आपसे, पहुँचते हैं लाडो भी घर पर के लिए। गोलगप्पे खाते हैं, बहुत दिन हो गए थे। आइए ये देखिए इंडियन पानी पूरी। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने गोलगप्पे भी खा लिए और जलेबी भी इनको ले लिए हैं। और मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन इन लोग जबरदस्ती करके खिला भी दिए लग रही है। हाँ मम्मी गोलगप्पे नहीं खाती हैं, मम्मी को थोड़ा सा खट्टा बहुत नहीं खाती हैं, और बड़े साइज के गोलगप्पे से मम्मी को डर लगता है। तो हम लोगों ने गोलगप्पे वाले भैया से कहा कि भैया मम्मी को छोटे छोटे साइज का देना, तो मम्मी को भी आज पकड़ के खिलाई दी है फाइनली 1 महीने बाद। सामान भी ले लिए, सब्जी भी ले लिए और गोलगप्पे भी खा लिए, अब अपने घर को चल रहे हैं। हाँ हाँ, और इधर हम लोगों ने और जलेबियाँ भी ले, इधर निकाल मैं दिखाती हूँ, ये रही, ये हम लोगों ने जलेबी भी गुड़ वाली ले ली है। भूत लग रही, गुड़ नहीं गुड़ कर रहा था। तो अब चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं पापा और लाडो का क्या हाल चाल है। फाइनली हम लोग घर आ गए और लाडो कितनी खुश है, मम्मी अपना जैकेट उठा के, लाडो को मम्मी के जैकेट से बहुत प्यार रहता है। ये देखिए लेक्सी और लाडो खुशी के मारे नाच रही हैं, लोग खोज रहे थे ये लोग हम लोगों को, कितनी एक्साइटेड है, कितनी एक्साइटेड है देख सकते। घर पे आ चुके हैं और मुझे कोई काम ऐसा नहीं था, लेकिन मम्मी का था कि बहुत दिनों से घर में बैठी बैठी रह रही हो, थोड़ा सा चलते हैं बाहर, तो गई कुछ खाया पिया और अब घर आ गए। अब थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और एक कप कॉफ़ी या फिर चाय, ठंड में ज़रूरी है, पियेंगे और पीने के बाद फिर स्टडी टाइम। तो देखते हैं क्या होता है, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं रात तक का रूटीन। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आगे ब्लॉग देखा था, उसके बाद ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। वो ब्लॉग था फ्राइडे का, 24 दिसंबर का ब्लॉग था, और आज 26 दिसंबर है। एक्चुअली आप लोगों ने रात के 8 बजे तक के ब्लॉग देखे थे जब हम मार्केट से आ गए थे, और मैंने आप लोगों से बोला था कि अभी मैं आप लोगों को ब्लॉग आगे कंटिन्यू करके दिखाऊंगी कि हम कर क्या रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ऐसा मिस हैपन हो गया हमारे साथ क्या, मम्मी के साथ। एज यू कैन सी मैं दिखा सकती हूँ, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। एक्चुअली मुझे दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को देख नहीं पाएंगे, और बट थोड़ा सा मैं आप लोग को बस बता ही देती हूँ। एक्चुअली जब हम लोग आए उसके मार्केट से आने के बाद, मम्मी किचन में काम कर रही थी और लाडो का खाना गरम कर रही थी। उसी बीच में मम्मी लाडो के खाना गरम करने के लिए पानी गरम की, और पानी रोज़ पानी गरम होता ही है और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी कहता ना कि अगर कुछ किस्मत में लिखा है कि होना ही है, तो अब कितना भी प्रिकॉशंस ले लो वो चीज़ हो ही जाती है।
वही हुआ, मम्मी पानी लेकर जा रही थी लाडो के खाने को, खाना देने के लिए। पानी पकड़ी भी बहुत सही से थी, गर्म भी सही से था, वो जो बर्तन था वो स्लिप किया, पानी उछल गया और मम्मी के लेफ्ट राइट हैंड में बर्तन था, लेफ्ट हैंड पूरा मम्मी का बर्न हो चुका है। खौलता हुआ पानी था, गर्म भी नहीं कह सकते, लुक वार्म वाटर नहीं था, एकदम बॉयल्ड वाटर था। और मम्मी के लेफ्ट साइड ब्रेस्ट और यू नो व्हाट हैंड तो पूरा ख़राब हो चुका है, जल गया। और हम लोग को समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या फिर, और मम्मी को इमरजेंसी में लेकर हम लोग गए, डॉक्टर ने जो भी बर्निंग के लिए किया सारी चीज़ें हो गई। फिर मैं कल बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, सारे रिलेटिव्स जो जो भी सुन रहा था वो आया। और अभी भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाऊंगी, मैं पूरा नहीं दिखा सकती, पूरा हाथ ख़राब हो चुका है। यू नो व्हाट, मैं दिखा रही हूँ आधा हाथ मम्मी का पूरा ख़राब हो चुका है। तो ये मम्मी लेटी हुई है, हाय फिर भी हाय कर रही है, मतलब जितना दुख का पहाड़ है इनके ऊपर ही टूटना है। तो फ्रेंड्स यही है इनके साथ, बहुत सारी दिक्कतें दिक्कतें नॉन स्टॉप, सारी प्रॉब्लम्स सारी तकलीफ इन्हीं को मिल रही हैं। तो मैं ब्लॉग तो ख़त्म ही नहीं कर पाई थी और उम्मीद भी नहीं थी। अभी थोड़ा सा मैं खाली हुई हूँ 2 दिन के बाद से, तो मैंने सोचा है कि ब्लॉग थोड़ा सा एंड कर देते हैं और आप लोगों को भी बता देते हैं कि क्यों हम ब्लॉग और इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए। क्रिसमस की प्लानिंग थी, क्रिसमस के ब्लॉग भी बनाने थे हा? लेकिन चलिए, क्रिसमस तो कभी मान जाएगा, स्वस्थ तन में रहेगा तो सब कुछ होगा। हाँ, और फिर एक बहुत बैड न्यूज़ एक और मिल चुकी थी हम लोगों को, जो कि मैं हम लोग से रिलेटेड, मतलब हमारी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो जिससे रिलेटेड है वो हमारी फैमिली का पार्ट ही है, तो वो चीज़ मैं नहीं बोल सकती। वो भी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटली एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दुख की बात है। एक तो ये तकलीफ थी हम लोग को, और एक मेंटली वो तकलीफ भी अभी तक है। तो वो उस वजह से सब लोग, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है 2 दिन से। यू नो व्हाट, 2020 आया तो बर्बाद था और जा रहा है तो भी हम बहुत सारी चीज़ें बर्बाद ही है। तो ट्रीटमेंट चल रही है मम्मी की, मैं नहीं दिखाना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद दिक्कत हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोशिश रहेगी मम्मी, अब तो देखते हैं कब तक ठीक होती हैं, जब तक ठीक नहीं होती हैं तब तक क्या ब्लॉग बनाऊंगी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, फिर भी आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को प्यारे प्यारे और ब्लॉग लाएं, न्यू ईयर था, कोई बात नहीं, जिंदगी है तो दुख और सुख दोनों आता रहेगा अल्टरनेट, कोई दिक्कत नहीं है। रात आई है तो सवेरा होगा ही होगा, तो ठीक है, अच्छा है। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप लोग थोड़ा लाइक किया करो यार, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वीडियोस में पर्सनली हमसे क्या देखना है। जब आप लोग कमेंट करोगे तो हमें भी एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, बने रहिएगा क्योंकि नई नई चीजें देखने को मिलेगी। मम्मी बोल रही है बहुत सारा कंटेंट है, बस उसको पोस्ट करना है आप लोगों के लिए, कुछ एक मैसेज भी, यू नो व्हाट, एक अपडेट भी देना है, और आप लोग को एक गुड न्यूज भी देनी है। तो गुड न्यूज भी आप लोग को मैं जल्दी ही बता दूंगी, जल्दी ही सुना दूंगी, काफी अच्छा गुड न्यूज है। तो जल्दी आपको गुड न्यूज़ की भी वीडियो मिलेगी, आप लोगों के साथ मुझे गुड न्यूज़ भी शेयर करना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियोस हमसे चाहिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।